दिल का दरिया आंसुओं में बह गई। ओ हाँ, साफ हो गया गला। ओहो, तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ फिर से। आज आप फिर से बहुत ही फुदूसी हरकतें देखने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें मेरे को मिलता है एक चैलेंज। वो क्या होता है आगे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो गेम की शुरुआत होती है दो बोट मारने के साथ। तो उसके बाद पता चलता है कि हाइड्रा नाम के बंदे ने फ्लेयर मंगवाई है और वो ऑफलाइन थोड़ी देर के लिए। तो डेविल नाम के बंदे ने AWM उठाई, उसे जमीन में रखा, ऊपर से पत्थर फेंक दिए, ऊपर से गोला बना दिया ताकि कोई और उठाए ना, मैं उठाऊं। बट उसी टाइम पे हाइड्रा ऑनलाइन आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो गोली उठा लेता है, गन वो उठा नहीं सकता। तो फिर आगे देखो क्या होता है। गन मेरे हाथ में है, गोली उसके पास है, अब भीख मांगना चालू एक दूसरे की। गोली दे नहीं रहा मैं, साला मेहनत मैं करूं उठाए तू। यार मेहनत क्या, गन ही चलाई है प्लेयर में भी नहीं चलाऊ मैं, एटैक्स मेरे पास। तो क्या हुआ, तेरे टीममेट के पास है साले। मैं मर जाओ तो भी ना, तू भाई गया खेल लेने। ये होम टेम्परेचर भाई गया तेल ले दे। अरे एक आदि दे दे। ना भाई ना। तो ये यहाँ पे मार नहीं था, बट थोड़ी देर बाद ही इसने गोली फेंकी और वो भी दो। हर गोली के लिए गाना, सही बोला ना पर्पल। हर गोली के लिए गाना, मैंने ऑलरेडी गाना गा दिया है, ठीक है, शुरुआत वाला। इससे आगे तो मैं गा ही नहीं सकता, अगर मैं गाया तो म्यूजिक इंडस्ट्री वाले औरों को निकाल देंगे, मेरे को साइन कर लेंगे इकलौते को। आवाज ही बहुत सुंदर है ना, और कहेंगे ये आवाज एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए। गाने के अलावा दूसरा कहता है जोक सुनाओ जोक अनपॉसिबल, मैं नहीं सुनाने वाला। तो मैं इन्हें थोड़ी देर बाद एक जोक सुना देता हूँ जिसका कोई हाथ पैर नहीं था, पर फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि इसे गोली दी जाए। पर कितनी, एक एक चल तू इतना, तुम्हारी मम्मी के लिए मैं तो मम्मी का नाम दिया है इसलिए। सुंग के दो गोली दिए सालों ने, इतना अच्छा जोक सुनाया था नेट से ढूंढ के। खैर छोड़िए, अब ये ना हरकतें करने लग गए थे थोड़ी सी, तो मेरे को बुला रहे थे कि इधर आ। मैंने कहा दिखाओ क्या, कहता लेट। मैं कहा लेट जाते हैं उसमें क्या है। ये मेरे को साला आज पता चला कि सीढ़ियों का ये भी फायदा होता है, पर यहीं पे फायदा है और कहीं अपार्टमेंट जाके ट्राई मत कर लेना, कोई कुत्ते की मौत मरोगे। तो मैंने कहा नीचे समंदर है, थोड़ी सी आग बरसाई जाए, अब करो सालो, अब करो 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 अब। खैर मेरे टीममेट है तो है, बदतमीजी है, फिर से करने लग जाते हैं वही कांड। बट थोड़ी देर बाद ही मेरे को क्या देखने को मिलता है, मेरा एक टीममेट जम गया था वहीं पे, ये देख लो खत्म है, जम गया। किसने मारा, डेविल। एक पता नहीं मेरे टीममेटों की हंसी कैसी है, सुनो तो सही है एक बार। एक गोली बची थी लग गई। अजीब सी हंसी है यार, जैसे टेक्सस रैटल स्नेक की नहीं होती जो उसकी पूंछ करती है, वो वाली हंसी है यार ये। तो अब आते हैं चैलेंज के ऊपर। तो मेरे टीममेट बोल देते हैं कि मुझे दिया जाने वाला है एक चैलेंज जिसमें मेरे को एडम की एमुनेशन जितनी भी है मेरे पास उससे करना है एक या दो बंदे नॉक, या एक पूरा फिनिश करना है। तो उसके बाद क्या होगा, बाकी जो एमुनेशन है वो EMI पे दे दी जाएगी मुझे। तो मैंने कहा एक्सेप्टेड, बस यही तो चाहिए था। तो उसके बाद यहाँ पे दंगे शुरू हो जाते हैं क्योंकि मेरे पास 8x नहीं था, किसी ने उठाया हुआ था 8x, पर वो मुझे दे नहीं था रहा। यार मेरे पास 4x था, मैं AR में नहीं चलाता 4x, ये तो फिर भी स्नाइपर है। तो जैसे तैसे मेरे को मिल जाता है 8x। तो उसके बाद हाइड्रा को दिखती है कि बंदों की गाड़ी, तो हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ। मेरे पास है AWM साथ 8x साथ मेरे टीममेट, सामने बंदे, पहला नॉक। ओहो, एक गोली खराब नहीं हुई, पहला नॉक। उसे तो किल चोरी कहते हैं मेरे हिसाब से तो। साले ये कैसा किल चोरी हुआ, मैंने हेड मारा है, दूसरा बंदा दिखा, दूसरा नॉक। ये भी चोरी, दोनों चोरी कर दी है मेरे। यार एक तो ना टीममेट्स को कदर ही नहीं होती आपके टैलेंट की, दो हेड मारे हैं उसमें ही बोल रहे हैं कि किल चोरी की है। तो उसके बाद मेरे को किस्तों में मिलती है 10 गोलियां, उसके बाद मैं पंप में आ जाता हूँ थोड़ा सा और मैं नॉक हो जाता हूँ। चलो मेरे नॉक होने को बुलाया जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो गंदे सीन होना चालू हुए हैं, बिकॉज जिन बंदे के पास AWM की बाकी एमुनेशन था वो नॉक हो जाता है और नॉक होने के साथ ही पूरा खत्म। पेड़ के पीछे बंदा है यार, क्या दिख नहीं रहा तेरे को।
अब यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अपने टीममेट का बदला लूं जो कि मैं ले ही नहीं पाता, हेड पे रखा मैंने, वो साला सामान वगैरह उठा रहा था तो मिस हो जाता है, दो गोली खराब, मैं नॉक। दूसरा रास्ता था कि हम जोन में जाएं, और हम वही करते हैं। यहाँ आ जाते हैं हम पहाड़ी के ऊपर हाइड्रा मेरे को पंप देने लग जाता है फिर से। मार मार क्या मार, किसको मारूं, क्या मैं हवा में मारने लग जाऊं क्या, अब गोली खराब हो रही है सर मेरी ऐसे तो इन्हें मैं देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक बंदा परेशान करने लग जाता है और मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। तो मुझे तो लोकेशन पता नहीं थी, पर वो मेरे को बता देता है लोकेशन उसकी। अगर ये शॉट मिस हो जाता ना, गटर में चला गया था, चैलेंज ऐसी तैसी हो जाती है यहीं पे। वो तो चलो मेरे टीममेट ने डैमेज दे दिया था तो हेड नहीं था लगा क्योंकि मेरा भी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब करते हैं इन पे फोकस। फोकस मैं कद्दू करूं, साले मेरे को फिर से डैमेज दे गए, पर मैं कहता हूं इनकी ऐसी की तैसी, मैं अभी नॉक करके रहूंगा इसे। तो ये मुंडी दिखाता है मुझे और सीधा नॉक। हालत तो मेरी भी खराब थी। तो उसके बाद अपन लगाता है हेल्थ, उसके बाद फिर से मेरे को एक बंदा दिखता है, एक गोली फिर से खराब। लिमिटेड अमाउंट में एमुनेशन था, सिर्फ 3 एमुनेशन बचे थे। एक बंदा फिर से दिखा मेरे को, हेडशॉट। ये वही बंदा था जिसको मैंने पहले नॉक किया था। इसको जाने तो ऐसे देना नहीं है। खत्म पूरा। बंदे दो बचे हैं, गोली एक है, सामने मेरे को बंदा दिखता है और हाइड्रा पीछे से चलाने लग जाता है और शॉट मिस, एमुनेशन खत्म, चिकन पता नहीं अब होगा या नहीं होगा, बिकॉज आगे बताता हूँ क्या गड़बड़ होने वाली है। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद हेल्थ लगा के हम अंधा रश कर देते हैं, बट हम गलत जगह पर रश कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई परिंदा अब तक नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था। और यहाँ पे एक गलती और हो जाती है हमारे से, हम पैदल भागने लग जाते हैं जोन के अंदर, गाड़ी पीछे छोड़ देते हैं हम पागलों की तरह, और ऐसे ही जैसे कुत्ते नहीं भागते होते एक दूसरे के पीछे, वैसा हाल था। और सामने बंदे डैमेज देना चालू कर देते हैं, और यहीं पे मेरे को पता चलता है कि उनमें से एक बंदे ने ड्रॉप लूट किया था और उस एक बंदे के पास थी AWM, लग गया पता। और यहाँ पे मेरे को अपने टीममेट पे इतना गुस्सा आ रहा था ना, जिसके पास AWM की एमुनेशन थी, साले मेरे को तब 10 की जगह 20 ही कितनी आती, 21 अभी भी उसकी पेटी में 11 गोली थी यार, 11 गोली से मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो हमारा चिकन वहाँ पे ऐसे ही रद्द हो जाता है, क्या कर सकते हैं। बट कोई नहीं यार, स्नाइपर और चिकन बचा हुआ है हमारा। तो आ जाते हैं दूसरे मैच की तरफ, जिसमें मैं एंडिंग दिखाऊंगा सिर्फ, बिकॉज जो 2 किल थे मेरे वो बॉट के ही थे सिर्फ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं नॉक होता हूँ, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं नॉक हूँ और ये हम पे रश करें और हम मार दें इन्हें, कोई नहीं बोलेगा कि बकवास कर रहा है, ये मेरा प्लान था। हाँ, तो उसके बाद फिर से मैं ट्रायल वगैरह लेता हूँ स्नाइपिंग के, हेड हुड कोई लगता नहीं है क्योंकि मैं ट्रायल मार रहा था। उसके बाद मेरे अंदर आग लग जाती है, फिर आग ने कर दिया अपना काम, एक हो जाता है नॉक, दूसरे को मारने की कोशिश, गोली मिस। हाँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि दोनों गोलियां मिस है, बिकॉज मैं मार नहीं था रहा, मैं हेड बस मैं डैमेज देना चाहता था, क्योंकि अगर नॉक कर दिया तो ये समझे कि हम रश कर रहे हैं। तो दूसरे बंदे को भी मैं यहाँ पे पेल देता हूँ। स्नाइपिंग करना कोई मेरे से सीखो, ठीक है। ये देखो इतने सारे नॉक एक मिनट के अंदर अंदर डैमेज भी दे रहा हूँ मैं साथ ही साथ में, पर इनको री शर्म आ रही, साले मुंडी दिखाई जा रहे हैं, नॉक होए जा रहे हैं, हेड खाए जा रहे हैं। ये देखो ये फ्लैंक करने की सोच रहा था पर मेरे को मुंडी दिख जाती है, ये देख लो, नाम पढ़ दो फिर से, 2-3 बार तो पहले नॉक हुआ था, फिर से नॉक हो गया, ये शर्म ही नहीं है। पहले तुम लोगों ने देखी है स्नाइपिंग, अब तुम देखोगे स्कारल का खटिया स्प्रे। चालीस में से 2 गोली डैमेज के नाम पे दी है, इतना घटिया चिकन डिनर था ये, चिकन डिनर पे नाम के कलंक था ये। तो भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जो करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, चंगा, ओके बाय बाय। अब ये कौन से एंगल से ली है फोटो। We should go and get